इधर रांची के मेडिका अस्पताल की मुश्किलें बढ़ सकती है। मेडिका की गलती ने रिम्स का पूरा न्यूरो वार्ड को सील कर दिया है। दरअसल आपको बताएं, मेडिका अस्पताल ने न्यूरो के एक मरीज को रिम्स रेफर किया था जिसका कोरोना टेस्ट अवेटेड था। ऐसे में सिविल सर्जन सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जिस पेशेंट का कोरोना टेस्ट किया गया है उसको आपने रिम्स क्यों भेज दिया। डिस्चार्ज आपको अगर कर रहे हैं तो एक तो उसको डिस्चार्ज करना नहीं चाहिए था। अगर आप उस समय डिस्चार्ज कर रहे हैं तो देन एंड देयर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज को ये इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये कोविड पेशेंट है लेकिन ये यहाँ नहीं रहना चाह रहा है किसी कारणवश, तो ये डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है। अब दो एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपने अपने डिस्चार्ज टिकट में लिखा है कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो आपको ये कैसे पता चल गया सेकेंड दो तारीख को कि ये रिम्स में एडमिट है। निजी अस्पतालों को अस्पताल खोलने की इजाज़त इसी शर्त पर दी गई थी कि वे अपने यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे। आइसोलेशन वार्ड बनाकर कोई भी पेशेंट का इलाज खुद करेंगे। ऐसा मेडिका में क्यों नहीं किया गया, सिविल सर्जन ने इस बात को लेकर सख्त नोटिस किया है। तो ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके की जानकारी के लिए हम लोग एक उसकी मेडिका से भी एक पूछ रहे हैं हम लोग कि ऐसा ऐसी ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। डिटेल्स आने के बाद ही फिर तो कार्रवाई करने के पहले दूसरे पक्ष की बात तो अवश्य सुनूंगा, तो अवश्य सुनने के लिए एक नोटिस इशू करूंगा, एक कॉज नोटिस इशू करूंगा कि ऐसी ऐसी जो घटनाएं हुई किस कारणवश हुई है। 30 मई को कोकर रांची के पूर्व सैनिक के छत से गिर जाने की वजह से मेडिका अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां समान उपचार के साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी मेडिका अस्पताल ने कोलकाता स्थित लैब में करवाया और इसी दौरान संक्रमण का शक होने पर मरीज को रिम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि डिस्चार्ज स्लिप में मेडिका अस्पताल ने कोविड रिजल्ट अवेटेड लिखकर भेजा था। कैमरामैन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूजीलैंड, भारत, रांची।